नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। अब मामला जो है, जो छात्र की सुसाइड का, खुदकुशी का, वो हैदराबाद तक सीमित नहीं रहा है। इसे लेकर दिल्ली समेत कई जगहों पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अब इस मामले में कुछ नए तथ्य भी सामने आए हैं। जैसे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो खुदकुशी की है जिस छात्र ने, उसने उसके दोस्तों पर कार्रवाई को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय ने क्या क्या किया था और किस तरह से दबाव बनाया गया था। कम से कम 6 हफ्ते में 5 चिट्ठियां लिखी गई थी और ये भी पता चला है कि जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है, आरोप ये लग रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के कहने पर ये सब कुछ जो उन्होंने लिखा था चिट्ठी, उसके दबाव में मानव संसाधन मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी और उसके बाद कार्रवाई हुई। इस सब दबाव के बाद इस लड़के ने, इस छात्र ने खुदकुशी कर ली। हैदराबाद में खुदकुशी करने वाले पीएचडी के छात्र रोहित वेमुला को क्या इतना मजबूर कर दिया गया कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय खुदकुशी करने के? आरोपों के मुताबिक रोहित समेत 5 छात्रों को सस्पेंड कराने के पीछे बंडारू दत्तात्रेय को जिम्मेदार माना जा रहा है। साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय ने भी 6 हफ्ते में 5 चिट्ठियां भेजकर कार्रवाई का दबाव बनाया। I agree with the students here. Certainly he has committed suicide. But the conditions for his suicide have been created by the vice chancellor and the minister and the institution. सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या मामला इतना संगीन था कि मानव संसाधन मंत्रालय को मामले का अपडेट लेने के लिए 6 हफ्ते में 5 चिट्ठियां भेजने की नौबत आ गई। एक तरफ सरकार यूनिवर्सिटी के कामकाज में दखलंदाजी करने से मना करती रही है, लेकिन क्या ये किसी खास मामले में जरूरत से ज्यादा दबाव बनाना नहीं कहलाएगा? रोहित वेमुला की खुदकुशी से हैदराबाद, पुणे, मुंबई के अलावा दिल्ली के जंतर मंतर पर भी नाराज छात्रों ने प्रदर्शन किए। छात्र से खुदकुशी की बजाय कत्ल करार दे रहे हैं। ये कोई आत्महत्या नहीं थी, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। हमारे हिसाब से ये एडमिनिस्ट्रेटिव मर्डर है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने भी दलित छात्र की खुदकुशी के मामले की जांच करने को कहा है। दूसरी तरफ खुद पर लगते लगातार आरोपों का जवाब देते हुए मानव संसाधन विभाग ने सफाई दी है कि सरकारी प्रक्रिया के तहत उसे सांसदों की लिखी चिट्ठियों को संज्ञान में लेते हुए उस पर हो रही कार्रवाइयों पर नजर रखनी होती है। देखिए, निशाने पर एचआरडी मिनिस्ट्री को नहीं होना चाहिए, इसलिए कि यूनिवर्सिटीज का अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद मंत्रालय जरूर सजग है और इसी के लिए आपने देखा होगा कि एक कमेटी बनाई गई है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संबित, स्वागत है आपका। जिस तरह से अब तथ्य सामने आए हैं इस मामले में कि 6 हफ्ते में 5 चिट्ठियां लिखी गई थी मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से, क्या इसको भी आप दबाव बनाना नहीं कहेंगे? देखिए, 5 नहीं 4 चिट्ठी लिखी गई थी 3 और 19 तारीख के बीच में। और दूसरी बात है, ये दबाव की बात बिल्कुल नहीं है। बंगारू दत्तात्रेय जो कि सिकंदराबाद के सांसद है, अगर एक घटना के ऊपर उन्होंने एक चिट्ठी लिखा है तो ये कानूनन जो मैनुअल है, सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल, वो ये कहता है कि जब कोई भी मंत्री या सांसद चिट्ठी लिखता है किसी यूनिवर्सिटी को तो उसको फॉलोअप करने की आवश्यकता रहती है। और इसी फॉलोअप की प्रक्रिया में अगर एचआरडी मिनिस्ट्री ने केवल क्या एक्शन लिया गया है जानने के लिए चिट्ठी लिखा, तो उसको यह कहना कि उसके कारण से सुसाइड हुआ, यह बिल्कुल अनफाउंडेड है। और मैं यहां एक बड़ी बात यह भी बता दूं, आप तो एचआरडी मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, चिट्ठी की बात कर रहे हैं, जो सुशील कुमार जो कि एबीवीपी का कार्यकर्ता था, जो कि कंप्लेन भी जिसने किया था, उसकी माताजी ने हाईकोर्ट में केस दर्ज किया था। हाईकोर्ट ने भी 3 बार यूनिवर्सिटी के लीगल काउंसिल से यह सवाल पूछा है कि आखिर आप एक्शन इतने देर तक क्यों नहीं कर रहे हैं और एक्शन टेकन रिपोर्ट आप सबमिट करिए। 19 तारीख को उसकी अगली सुनवाई भी है। मैं यहां बता दूं कि हाईकोर्ट को जब यह कहा गया कि आप जो ऑर्डर्स दिए गए हैं प्रोक्टोरियल काउंसिल के और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कि बच्चों को हॉस्टल से निकाला गया है, आप इसको रुकवा दीजिए, तो हाईकोर्ट ने उस पर स्टे नहीं किया। तो स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है, कानूनी रूप से इसमें कुछ भी नहीं है।
लेकिन आप ये बताएं मुझे संबित, कि आप कह रहे हैं कि 5 हफ्तों में 4 चिट्ठी लिखी गई है मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से, क्या ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि हर हफ्ते एक चिट्ठी लिखी जाए किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है? मैं ये समझ सकती हूँ अगर आप ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर वहां के सांसद ने एक चिट्ठी लिखी, एक कंप्लेन किया, एक शिकायत की, तो उस पर पूछा जा सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज हर हफ्ते एक चिट्ठी लिखना, क्या ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है? देखिए दो चीजें हैं, हाँ। चिट्ठी लिखना और उस चिट्ठी के कारण खुदकुशी होना। देखिए चिट्ठी लिखना ये तो गलती नहीं है, अगर अकाउंटेबल गवर्नेंस है, अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्शन क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हो रहा है या नहीं, क्या गतिविधि, किस प्रकार की गतिविधि यूनिवर्सिटी के कैंपस में हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने इस पे कंप्लेन किया, मैं तो इसे प्रोएक्टिव रिएक्शन कहूंगा सरकार का, मगर क्या ये कहना कि इन्हीं चिट्ठी के कारण से रोहित इन चिट्ठी के कारण से सीधा मतलब है, एक तरफ एक दलित छात्र है, एक छात्र है, एक एक छात्र है, दूसरी तरफ पूरा यूनिवर्सिटी है, वीसी है, मानव संसाधन मंत्रालय है, एक मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री पूरी वहां पर है, आप क्या कहेंगे? दबाव किसी भी छात्र को महसूस नहीं होना चाहिए कि वो अकेले एक तरफ खड़ा है, उसके साथ कोई भी नहीं है, उसके साथ कोई फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, उसे अगर ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए मैं बहुत संवेदना के साथ, बिकॉज रोहित नहीं है हमारे बीच में और मैं श्रद्धांजलि भी देता हूं, मगर बड़ी बात यह है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर एक लड़का एक तरफ खड़ा है और उसे लग रहा है कि उसके ऊपर किसी प्रकार से ज्यादती हो रही है, तो आप और मुझसे ज्यादा बड़ा शक्ति जो है वो हाईकोर्ट के पास है। ये पूरा मामला जब हाईकोर्ट के सामने गया और रखा गया उनके पक्ष से कि हमारे ऊपर ज्यादती हो रही है, हमारे को जो पनिशमेंट दिया गया है वो उसको स्टे कर दिया जाए, तो हाईकोर्ट ने पूरे विषय का संज्ञान लेने के बाद स्टे नहीं किया। मेरा सिर्फ इतना कहना है अगर इसमें वाकई जिस प्रकार की एट्रोसिटी की हम बात कर रहे हैं हुआ होता तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया होता, क्योंकि वो संविधान का रक्षक है, वो कानून है, मगर कानून को ऐसा नहीं लगा तो फिर हमें ऐसा क्यों लगना? इस बारे में कोई हाईकोर्ट में नहीं जाएगा कि सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, जो ये स्टूडेंट्स नहीं गए थे दबाव को लेकर, दबाव महसूस किया था उन्होंने कि इस तरह से हो रहा है, तब तक हाईकोर्ट नहीं बोलेगा। हाईकोर्ट या कोई भी अदालत अपने सामने जो एविडेंस होता है उसी के मुताबिक काम करता है, उसी के मुताबिक आदेश देता है। एक यहां पर सिंपल सा सवाल है कि जो 4 चिट्ठियों की बात आप कर रहे हैं, हमारे पास 6 हफ्ते में 5 चिट्ठियों की बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 5 हफ्तों में 4 चिट्ठी लिखी गई, क्या ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है किसी भी कंप्लेंट को लेकर किसी भी यूनिवर्सिटी में? क्या ये मंत्रालय का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है या नहीं? क्यों नहीं? आज खुद स्मृति जी ने कहा है कि सेंट्रल सेक्रेटरिएट मैनुअल ये कहती है जब तक उत्तर नहीं दिया जाता है जिस सांसद ने चिट्ठी लिखा है तब तक ये पूछा जाता है, क्योंकि सांसद ने कुछ पूछा है कि आखिर यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, अगर इसके लिए एक चिट्ठी जाती है तो इसको दबाव के रूप में देखने की क्या आवश्यकता है? एक चिट्ठी नहीं, चार चिट्ठियां गई 5 हफ्ते में। कादंबरी दस सेकंड। देखिए आप एक बात तो मानेंगे कि रोहित जो है वो एक साहसी एक्टिविस्ट था, और उसको मैं साहसी ही कहूंगा क्योंकि उसने सुइसाइड, अगर वो साहसी था तो सुइसाइड नोट में वो मान सकता था कि दबाव था, चिट्ठियों के कारण से मैं सुइसाइड कर रहा हूं। नहीं, उन्होंने जो चिट्ठी में लिखा, उन्होंने कहा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेरे डेथ के लिए, मैं अन्य कारणों के कारण मौत को गले लगा रहा हूं। अगर हम आज कहते हैं कि नहीं, आज की तारीख में, आज की तारीख में वो चिट्ठी जो है ना ये पब्लिक नॉलेज में है, पब्लिक डोमेन में है, वो जो आप हिस्सा जो बता रहे हैं वो एज एन आफ्टर थॉट लिखा हुआ था कि हाँ ये एक लिखना होता है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, उसके ऊपर का हिस्सा भी आपने पढ़ा होगा चिट्ठी में जो लिखा हुआ है, किस तरह से उसको बिल्कुल अकेला फील हुआ है, उसके दोस्तों की बात भी आपने पढ़ी होंगी जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने मीडिया को बताया है, जो बयान दिए हैं कि किस तरह से परेशान हो गया था, जुलाई से उसका स्टाइपेंड बंद था, उसे स्टाइपेंड नहीं मिला था जो उसको पैसे मिलने चाहिए। किसी भी गरीब छात्र के लिए स्टाइपेंड अगर मिल रहा है उसके लिए बहुत मायने रखता है, न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी मायने रखता है। उसको हॉस्टल में घुसने की इजाजत नहीं दी गई, पहले कहा गया कि ठीक है मामला खत्म हो गया, दोबारा उलट के एकदम यू टर्न मार के फिर कहा गया कि नहीं मामला चल रहा है। यह सब आखिर किस कारण से हुआ? क्या यह हम क्यों नहीं माने कि वो 4 चिट्ठियों का दबाव था? अगर मानव संसाधन मंत्रालय को एक बार में जवाब नहीं मिला था तो जवाब तलब उसे यूनिवर्सिटी उसकी बात क्यों नहीं सुन रही है, ये उसको पूछना चाहिए था कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया। देखिए पहली बार आपने सही कहा
कि मैंने चिट्ठी का पूरा ऊपर का पोर्शन भी पढ़ा है और मैं तीन लाइन पढ़ देता हूँ. माय बर्थ इज माय फेटल एक्सीडेंट. आई कैन नेवर रिकवर फ्रॉम माय चाइल्डहुड लोनलीनेस. द अनएप्रिशिएटेड चाइल्ड फ्रॉम माय पास्ट. स्वाभाविक रूप से वो अपने बचपन की कुछ परेशानियों को रख रहे हैं कि कैसे मैं बहुत अकेलापन जीवन भर महसूस किया और मेरे जन्म पे अप्रिशिएशन मुझे नहीं मिला. कहीं ना कहीं वो एक बहुत अलग परिणति की ओर हम सबको इशारा कर रहे हैं. मगर मैं यहां याद दिलाऊं, ये उचित बात है कि दलितों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार अभी भी हो रहे हैं. दुखद बात है, यही यूनिवर्सिटी में ये 10वां सुइसाइड दलित का है विगत 10 वर्ष में. 2013 में एम वेंकटेश मामला है, उसकी बात करिए आप सम्मित, उसी पर रहिए प्लीज. नहीं, देखिए हाँ. इसको भी समझने के लिए दलितों पे अत्याचार का विषय आप बता रही हैं तो स्वाभाविक रूप से इसको पूरा समझना पड़ेगा. 10 सुइसाइड हुई है. 2013 में एम वेंकटेश भी सुइसाइड करते हैं और वो कहते हैं कि दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है. 2008 में संथील कुमार, यह भी सेकेंड ईयर पीएचडी स्टूडेंट थे फिजिक्स के, इन्होंने भी सुइसाइड किया और दलितों के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रहे हैं उसका जिक्र किया. तो स्वाभाविक रूप से अगर हैदराबाद में दलितों के खिलाफ किसी प्रकार का माहौल है 10 वर्षों से, आज इसका राजनीतिकरण करना यही दिखाता है. आज इसका राजनीतिकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि संबित, आज इसका राजनीतिकरण इसलिए हो रहा है, इस पर सवाल इस पूरे मामले पर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से झगड़ा हुआ, झंझट हुआ. जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स, जो आपको भी पता है अगर आप छात्र राजनीति में रहे तो आपको भी पता है, आपके कई नेता छात्र राजनीति में रहे हैं, उसमें अगर छात्र पॉलिटिक्स में अगर पार्टीज का जो फुल पार्टीज हैं उनका अगर इंटरफेरेंस होता है तो रंग बिल्कुल बदल जाता है. यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं. नहीं, आप बताइए कहां इंटरफेरेंस हुआ है. मैं आपको उसका सीक्वेंस देता हूं. 30 जुलाई को जो अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन है वो याकूब मेनन के लिए एक नमाजे जनाजा कि याकूब मेमन को फांसी नहीं होनी चाहिए, हम नमाज अदा करेंगे, इस प्रकार का नमाज अदा किया और पूरा जो पोस्टर लगा, तुम कितने याकूब मारोगे, हर घर से याकूब निकलेगा, इस प्रकार का पोस्टर लगा के जिस प्रकार से किया गया, फेसबुक में एक एबीवीपी के कार्यकर्ता ने इसको अपोज किया. बताइए ये लोकतांत्रिक है कि नहीं. बदले में पूरा विषय कोर्ट में गया, पूरा विषय कोर्ट में, सुशील कुमार की मां इसको कोर्ट में लेके गई, कोर्ट ने इसे संज्ञान लिया, कोर्ट ने सारे तथ्य देखे, कोर्ट ने कहा हाँ नहीं. आप मामला कोर्ट की तरफ मोड़ रहे हैं. यहाँ पर मामला सिर्फ ये है, कोर्ट का मामला अपनी जगह है, ठीक है, उसमें यूनिवर्सिटी जवाब देती, जो भी एक्शन टेकन रिपोर्ट था वो यूनिवर्सिटी देती, लेकिन असल दबाव जो बना है यहाँ पर कोर्ट में, इन स्टूडेंट्स का मामला भी है वो जवाब देते, लेकिन असल जो यहाँ पर दबाव बना है इस चीज को लेकर बना है कि एक, उसका स्टाइपेंड रोक दिया गया, दो, लगातार चिट्ठियां गई यहाँ मानव संसाधन मंत्रालय से, तीन, उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया, बाहर वो टेंट में रह रहे थे बच्चे. मैं यही तो बोल रहा हूँ, आप बार बार बोल रहे हैं कि मैं कोर्ट की तरफ जा रहा हूँ. ये सारी दलीलें कोर्ट में रखा गया है कि इनको हॉस्टल से निकाल दिया गया है, तो कोर्ट ने कहा ठीक है, हमें प्राइमा फैसी लगता है कि जो अभी एक्शन लिया गया है वो कोई बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है, हम इसको स्टे नहीं करेंगे. अगर कोर्ट को लगता कि ये एट्रोसिटी है, ये धमकी के कारण से हो रहा है, ये दबाव के कारण से हुआ है, तो कोर्ट तुरंत स्टे कर देती और कोर्ट कहती कि नहीं, ऑर्डर स्टे हो गया, कोई पनिशमेंट नहीं होगा, हम आगे सुनवाई चल रही है. संबित, क्या कोर्ट को पता था कि चार चिट्ठियां लिखी गई है मानव संसाधन मंत्रालय के पास से? क्या ये बात कोर्ट के संज्ञान में आई थी? देखिए, कोर्ट सारे विषयों को संज्ञान में लिए बिना कभी भी फैसला या निर्णय नहीं करती है. वो परजुरी कहलाएगा अदरवाइज. अगर यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहा है और यूनिवर्सिटी सच्चाई के आधार पर नहीं चलेगा. ये चार चिट्ठियां, क्या ये ऑन रिकॉर्ड रखा गया था? ये चार चिट्ठियां, क्या मानव संसाधन मंत्रालय की चार चिट्ठियां ऑन रिकॉर्ड रखी गई थी या नहीं? क्या मानव संसाधन मंत्रालय की उस चिट्ठी में आप हमें दिखा पाएंगे कि कहीं भी लिखा हुआ है कि आप फलाना एक्शन फलाने स्टूडेंट के खिलाफ लीजिए? अगर आप वो दिखा देंगी तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा. अगर चिट्ठी जनरल इन नेचर है, आपके यूनिवर्सिटी कैंपस में क्या हो रहा है, क्या एक्शन लिया जा रहा है जिसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी संगठन का नाम नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से इस जनरल चिट्ठी को एक व्यक्ति के दुखद मृत्यु के साथ जोड़ के देखना ये राजनीतिक साजिश नहीं तो और क्या है? यानी कि अगर एक आपके जो मंत्री हैं वो चिट्ठी लिखते हैं तो उस एक चिट्ठी के जवाब में यहाँ पर केंद्र के मंत्रालय से चार चार चिट्ठियां जाती हैं हर मामले की पूछ के लिए, और ये आप कह रहे हैं एक हफ्ते में जवाब क्या केंद्रीय चार बार मानव संसाधन मंत्रालय क्या एक हफ्ते में जवाब मांग रहा था? मैं ये जानना चाहती हूँ.
नहीं तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं अगर चार बार एनडीटीवी को चिट्ठी लिखूं कि कादंबरी जी इस हफ्ते में कितनी बार न्यूज पढ़ी है, तो क्या आप स्ट्रेस में आ जाएंगे? कतई नहीं आएंगे। ये एक साधारण प्रक्रिया है। इसमें एक चार चिट्ठी अगर लिखी गई है कि आपके कैंपस में क्या हो रहा है, इससे क्या गड़बड़ी हो जाती है, इससे क्या मुश्किल हो जाता है? ये तो आरटीआई के अंतर्गत कोई भी मांग सकता है, आप भी मांग सकती हैं। आरटीआई अगर 10 लोग एक ही दिन में 10 लोग आरटीआई फाइल करते हैं कि क्या एक्शन ले रही है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी को जवाब देना पड़ेगा आरटीआई के माध्यम से भी। उसका कारण यह नहीं है कि आरटीआई एक्टिविस्ट के बिना किसी फांसी चढ़ा देंगे आरटीआई एक्टिविस्ट को, आपके कारण से रोहित ने फांसी चढ़ा दी। बिना किसी स्पेसिफिक इंस्टेंस को स्पेसिफाई किए हुए अगर किसी यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा जाता है तो वो जानना तो चाहेगा कि क्या इंस्टेंस की बात हो रही है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे इंसिडेंसेस जब भी पहले हुए, इससे पहले हनुमंत राव जी एमपी थे, आप कांग्रेस के प्रवक्ता को बुला के पूछिए हनुमंत राव जी ने कितनी चिट्ठियां लिखी। बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, क्योंकि मैं रिसर्च करके आया हूं। हनुमंत राव जो कि उस समय एमपी थे कांग्रेस के, वो हर विषय पे चिट्ठी लिखते थे यूनिवर्सिटी को। कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी व्यक्ति चिट्ठी लिख के ये जानना चाहेगा कि क्या हो रहा है। इसमें ये लोकतांत्रिक अधिकार है, ये सेंट्रल सेक्रेटरिएट मैनुअल भी कहती है कि आप पता लगाइए क्या हो रहा है। उसका मतलब नहीं है कि ये दबाव है। एक्शन प्रोक्टोरियल काउंसिल ने, एक्शन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें कि तीन दलित बंधु भी थे, तीन प्रोफेसर दलित थे, उन्होंने लिया है ये पूरा मामला का संज्ञान। कोर्ट ने भी लिया है, डबल चेक कोर्ट से भी हो गया है, तो स्वाभाविक। और रोहित नहीं, आप कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक जनरल जवाब मांगा गया था, पॉइंट वन, दूसरी तरफ कह रहे हैं आप कि कोर्ट ने एक स्पेसिफिक मामले का संज्ञान लिया था। दो अलग अलग चीजें हैं। खैर, इस पर आगे अभी और भी चीजें खुलेंगी, और भी चीजें सामने आएंगी, इस पर हम और आगे आपसे पूछेंगे। फिलहाल वक्त हमारे पास खत्म हो गया है और आगे इस पर हम और चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, जैसे संबित बता रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा ध्यान है, अगर एक मंत्री या एक सांसद कोई भी चिट्ठी लिखते हैं तो उसके बाद हर हफ्ते एक चिट्ठी शायद जाना ये मैनुअल की बात होगी। और अब इसमें संबित कह रहे हैं कि जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जोड़ना क्या है और नहीं जोड़ना है सब समझते हैं, इसमें आगे क्या आता है ये भी हम देखेंगे। और किस तरह से मामला राजनीतिक होता जा रहा है, राजनीतिक है ये भी साफ नजर आ रहा है।